Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसीएन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। प्रवर्तन निदेशालय ने एलवेश यादव को फिर से तलब किया है। आज लखनऊ दफ्तर में उससे पूछताछ करेगी ईडी ने मई में उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राणे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। बांग्लादेश में बाढ़ ने भीषण तबाही मचा रखी है। अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घर तबाह हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार से महाराष्ट्र का 3 दिवसीय दौरा करेंगे और इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर एनटीआर के इब्राहिम पट्टनम में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 फाइनल में भारत में निशात कुमार ने रजत पदक जीता है। चेंबूर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 2 बार पलट गई और एक टैंकर से टकरा गई, जिससे 3 की मौत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है कि पेरिस पैरालंपिक की महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर प्रतिपाल को बधाई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद बंगाल सरकार की ओर से आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। पुणे में एनसीपी नेता और पूर्व पार्षद वनराज अंडेकर की हत्या में कुख्यात गैंगस्टर बंटू अंडेकर का नाम सामने आया है। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश रानी पूरी स्पीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सियासी बिसात पर अपने सभी मोहरों पर परखना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आरएसएस बीजेपी की मुंबई में बैठक हुई है। मुंबई में 2 अलग अलग सड़क हादसों में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के खार इलाके में एक बेगुनाह को फंसाना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया है। ड्रग्स रखने का आरोप लगाकर पुलिसकर्मी उसे थाने लेकर गए थे, लेकिन बाद में वह छूट गया है। घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी देखी जा रही है और ओपनिंग के समय दोनों प्रमुख सूचकांक में बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के पोस्टपोन होने से साउथ की 2 फिल्मों की लॉटरी लग गई है। वो 2 फिल्में साउथ सुपरस्टार थलापति विजय और विक्रम की है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बीसीएन न्यूज। नमस्कार।